हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने प्रोटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया था। आज हम प्रोटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसमें हम इस प्रकार का सर्किट हम बनाने वाले हैं। प्रोटी सॉफ्टवेयर में आप कोई भी सर्किट आप बना सकते हो, चाहे एम्पलीफायर का हो या चाहे वो पावर सर्किट हो या फिर कोई भी सर्किट आप उसमें आसानी से बना सकते हो। उसमें आप सर्किट को रन करवा सकते हो, बहुत ही सिंपल है, काफ़ी आसान तरीके से आप इसे चला सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, आपको ये कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर आपको देखना है तो सबसे बड़ा जुगाड़ पार्ट 7 का वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियोज़ में हमेशा लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि फ्रेंड्स देखो कोविड-19 की वजह से आज पूरा देश मुसीबत में है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तभी आप घर से बाहर निकलेगा, वरना आप घर पे ही रुकिए, क्योंकि घर पे ही जितना आप रहोगे उतना आप सेफ रहोगे। ठीक है, प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ। तो फ्रेंड्स अभी हम प्रोटी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ठीक है, ये रहा उसका होम पेज। ओके, उसके बाद में देखो अभी हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब उसका एक नेम यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, जैसे हम एक फ्लैशर बनाने वाले हैं, या फिर आप इसे टाइमर सर्किट भी बोल सकते हो। तो उसमें हम एक टाइमर आईसी यूज़ करने वाले हैं, 555। तो हम उसका ये नाम देते हैं यहाँ पे 555 फ्लैशर। ठीक है, मैं आपको एक फ्लैशर बना के दिखाने वाला हूँ सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे हमें कहाँ पे सेव करना है उसका पाथ, उसका लोकेशन। तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं फोल्डर को। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स इसका स्कीमेटिक डिज़ाइन यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ही लेने देना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको क्रिएट अ पीसीबी लेआउट फ्रॉम द सिलेक्टेड टेम्पलेट्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें पीसीबी लेआउट भी बनाना है। ओके, अगर आपको पीसीबी लेआउट नहीं बनाना होता तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, डू नॉट पीसीबी यानी डू नॉट क्रिएट अ पीसीबी लेआउट, हमें पीसीबी बनाना है, इसके लिए हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ही लेने देना है। देखो फ्रेंड्स पीसीबी में आपको कई सारे यानी कई लेयर के आपको पीसीबी मिल जाते हैं, मल्टी लेयर में आपको पीसीबी मिलते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास सिंगल लेयर वाला पीसीबी है, तो हम उसके लिए डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो पीसीबी मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, सबसे बड़ा जुगाड़ का पार्ट 7 के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, और भी मैंने कई सारी वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया था वो पीसीबी, जिसे LED लाइट में वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे वीडियोस में मैंने दिखाए हैं वो पीसीबी। ठीक है, कॉपर क्लैड पीसीबी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे लेने देना है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पीसीबी का डायमीटर थिकनेस वो सब आपको डाटा यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इसका बॉटम लेयर और टॉप लेयर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स इस प्रकार से कुछ पीसीबी हमारा होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी फिर से फिनिश। और फ्रेंड्स ये रहा हमारा पीसीबी लेआउट के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे लेआउट बनाएंगे, और ये रहा हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आसानी से अभी हम सर्किट हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म यानी एक सर्किट डायग्राम हमें पहले बनाना होगा, फिर उससे मैं रन करवा के दिखाऊंगा आपको उसका सिमुलेशन, फिर बाद में हम यहाँ पे पीसीबी लेआउट उसका बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अब हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स हमें पहले सर्च करना होगा। तो उसके लिए आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो आप एक तो यहाँ पे स्पी लेटर को आप क्लिक करके यहाँ से भी आप कंपोनेंट्स लाइब्रेरी तक जा सकते हो, या फिर देखो यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स लाइब्रेरी यहाँ पे मिल जाती है।
ठीक है, यहीं से भी आप यहाँ से भी आप जा सकते हो वहाँ पे। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सिंगल। देखो ये रहे हमारी डिवाइस लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे डिवाइस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब सपोज हमें टाइमर आईसी हमें सर्च करना है 555, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 555 और फ्रेंड्स ये रही हमारी आईसी, ठीक है, टाइमर 555। देखो टाइमर और सेलेटर। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसका पीसीबी ये लेआउट है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ पीसीबी पे डिज़ाइनिंग ये आ जाएगा आपका, और ये इसका सिम्बॉलिक फॉर्म, ओके। तो इसे आपको सिलेक्ट करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे इसे डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे आ चुका है। उसी प्रकार से जो रजिस्टर हमें लगने वाले है या फिर हमें कैपेसिटर लगेगा, तो वो सब आपको यहाँ पे सब सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि अभी हमें कैपेसिटर चाहिए, तो कैपेसिटर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैटेगरी में कैपेसिटर, उसके बाद में यहाँ पे फिल्टर करेंगे उसे सब कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो अभी हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखो रेडियल इलेक्ट्रोलाइटिक, ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें 100 UF का कैपेसिटर चाहिए, यानी 100 माइक्रोफैरड का। तो देखो यहाँ पे 100 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट, तो यही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म और ये इसका पीसीबी लेआउट, इसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी ऐड हो चुका है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें रजिस्टर भी चाहिए, तो हम रजिस्टर भी हम यहाँ पे देखो रजिस्टर हमें मिल गया। अब फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स इस ऐप में यानी इस सॉफ्टवेयर में आपको रेगुलर कंपोनेंट्स भी मिल जाते हैं और SMD कंपोनेंट्स भी मिल जाते हैं, सरफेस माउंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो देखो रजिस्टर भी आपको कई सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, चिप रजिस्टर यानी SMD कंपोनेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। देखो NTC PTC वगैरह वो सब भी आपको मिल जाते हैं, वेरिएबल रजिस्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिलहाल हमें नॉर्मल रजिस्टर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो हमें क्वार्टर वाट में रजिस्टर चाहिए। देखो और भी आपको 2 वाट 3 वाट 10 वाट में आपको रजिस्टर यहाँ पे मिल जाते हैं, फिलहाल हम क्वार्टर वाट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें 0.6 वाट मेटल फिल्म की इस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको कोई भी एक रजिस्टर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल हम 15K का रजिस्टर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स इसका वैल्यू बदला जा सकता है, ये भी मैं आपको बाद में करके दिखाने वाला हूँ। इसका प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इसका सिम्बॉलिक फॉर्म और ये सिम्बॉलिक फॉर्म ये और इसका पीसीबी लेआउट, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये रजिस्टर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। कैपेसिटर भी हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हमें LED चाहिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में सब कैटेगरी में देखो यहाँ पे हमें कई सारे LED के टाइप्स से रिलेटेड बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 16 सेगमेंट डिस्प्ले, ऐसे बहुत सारे LCD डिस्प्ले हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे LEDs सिलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे एक येलो कलर का LED हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आ चुका है यहाँ पे। फ्रेंड्स देखो ये जो यहाँ पे लाइब्रेरी जो दिखा रहा है इसका, तो यहाँ पे जो एक्टिव कंपोनेंट्स जो दिखा रहा है वही आपको लेने हैं, ताकि वो जब हम सर्किट को रन करें तब वो अच्छे से रन यानी वो चालू होना चाहिए। उसके लिए हमें एक्टिव कंपोनेंट्स ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब हमें एक बैटरी चाहिए तो इस सर्किट को चलाने के लिए, रन करवाने के लिए, तो हम यहाँ पे बैटरी हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। ये रही हमारी बैटरी एक्टिव, ठीक है। इसे हम डबल क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसे हम क्लोज करते हैं और फ्रेंड्स अब हम सर्किट को बना सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी सारे कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे सर्च कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन कंपोनेंट्स को यहाँ पे प्लेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो जो कंपोनेंट्स हमें प्लेस करना है उसे हमें क्लिक करना है। देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब फ्रेंड्स सपोज हमें IC प्लेस करना है यहाँ पे, तो हम IC को क्लिक करके फिर हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, तो देखो ये IC यहाँ पे आ चुका है। स्क्रॉल करते ही फ्रेंड्स ये जूम हो जाता है, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। हमें अगर सपोज हमें IC यहाँ पे रखना है, तो इसे फिर से एक बार यहाँ पे क्लिक करके ये यहाँ पे प्लेस हो जाता है, ठीक है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। और फ्रेंड्स उसी प्रकार से हम सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से,
देखो अब सपोज हमें एक एलईडी हमें यहाँ पे रख पाना है, यानी यहाँ पे प्लेस करना है, तो हम एलईडी को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये एलईडी यहाँ पे प्लेस हो चुका है। उसके बाद में सपोज हमें कैपेसिटर हमें यहाँ पे रखना है, तो कैपेसिटर हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब सपोज हमें रजिस्टर हमें रखना है यहाँ पे, तो रजिस्टर हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे ओके, और एक हमें यहाँ पे चाहिए एलईडी के लिए हमें लगाना होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें बैटरी भी लगवाना होगा, तो बैटरी को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और ये हमारा बैटरी भी यहाँ पे आ चुका है काफ़ी आसानी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो देखो कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। देखो फ्रेंड्स, सपोज हमें आईसी का पिन नंबर 4 और 8 हमें शॉर्ट करना है, तो देखो क्या करना है, इस पेंसिल जो आपको पेंसिल जो दिख रही है उसे पॉइंटर को आपको जहाँ पे आपको पॉइंट करना है वहाँ से आप उसे वहाँ पे लेके जाएंगे। अब सपोज पिन नंबर 8 पे हमने पॉइंटर हम लेके गए, वहाँ पे एक आपको सिंगल क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये वायर वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से आप यहाँ पे सपोज अभी हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है पिन नंबर 4 पे, तो वहाँ पे लेके जाना है आपको, और वहाँ पे फिर से हमें एक बार क्लिक करना है, तो ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका। बिल्कुल सिंपल है, इसी प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हो। या फिर देखो अगर आपको सपोज इसे अगर ड्रैग करना है, यानी इसे आपको थोड़ा साइड में या फिर थोड़ा साइड में करना है, तो इस पर आपको सिंपल देखो आपको यहाँ पे इसे राइट क्लिक करना है, और देखो ड्रैग वायर इसे आप क्लिक करते हो तो देखो ये ऊपर निकल जाएगा इस साइड से। ठीक है, आप इस साइड से इसे भी करवा सकते हो। ओके, अगर आपको सिंपल चाहिए तो देखो यहाँ पे आप इसे अंडू करेंगे, देखो सिंपल, देखो हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्लिक करते हुए अगर हमें यहाँ से चाहिए तो यहाँ पे एक और बार क्लिक करेंगे, यहाँ से एंगल हो जाएगा, और यहाँ से फिर टर्न लेने के लिए यहाँ पे एक बार क्लिक करके फिर हम ऐसे यहाँ पे क्लिक करके ही कनेक्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, उसी प्रकार से हमें सारे कनेक्शन करने हैं। और फ्रेंड्स पिन नंबर 4 और 8 हमने शॉर्ट कर दिए है, उसी प्रकार से पिन नंबर 6 और 2 हमें शॉर्ट करने हैं। तो ये रहा 2 और ये 6, ये अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें रजिस्टर लगाना है, तो फ्रेंड्स हमें एक रजिस्टर 1K का चाहिए और एक रजिस्टर हमें 10K का यहाँ पे चाहिए, और एक रजिस्टर हमें 1K का यहाँ पे लगाना है। तो पहले हम इस रजिस्टर को हमें यहाँ पे लगाना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम पहले चेंज कर लेते हैं। देखो फिलहाल ये 15K का है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना है, तो देखो इस पर आपको राइट क्लिक करना है, रजिस्टर पर जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इसे हम ड्रैग भी करवा सकते हैं, यानी इस रजिस्टर को हम कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, और उसके बाद में इसका प्रॉपर्टीज़ उस रजिस्टर को डिलीट करना है, तो आप यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हो, उसे रोटेट करना है तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं एडिट प्रॉपर्टीज़, तो इसका हमें वैल्यू चेंज करना है रजिस्टर का, तो हम एडिट प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो अब सपोज हमें 1K का रजिस्टर चाहिए, तो हम यहाँ से 5 को कट कर देंगे, और ये हो गया 1K, यहाँ पे हम ओके करेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपका 1K का रजिस्टर अब यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब फ्रेंड्स सपोज हमें ये रजिस्टर को 10K का हमें करना है, तो यहाँ से हम 5 को कट करके हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, ये हो गया हमारा 10K रजिस्टर, यहाँ से ओके, ये अभी 10K का रजिस्टर अभी हो चुका है। ठीक है, अब सपोज हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करना है, तो डायरेक्शन भी इसका चेंज हो सकता है बड़ी आसानी से। अभी इसे हम ड्रैग करवाते हैं, थोड़ा सा मूव करवाते हैं यहाँ से, ये हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से सर्किट इसे बना सकते हो। अब चलो हम इसका फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसका एक पिन नंबर 4 के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, और अदर पिन जो बचा है इस रजिस्टर का उसे हम पिन नंबर 7 के साथ हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 7 नंबर इसका, ठीक है, यहाँ से हम लेते हुए यहाँ पे हम 7 नंबर पे कनेक्ट कर देते हैं।
ओके। अब फ्रेंड्स इसका ये जो पिन है, ये पिन को हम 10 के रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब 10 के रजिस्टर का जो अदर एंड जो बचा है उसे हमें 6 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करना है। तो 6 नंबर का पिन ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स पिन नंबर 2 और 6, ये दोनों शॉर्ट है, तो हमने इसलिए 10 के का रजिस्टर का एक पिन हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स कैपेसिटर बचा है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आईसी का जो पिन नंबर 1 है वो ग्राउंड होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो GND ग्राउंड। तो फ्रेंड्स इसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे पहले, ठीक है, देखो ये यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स कैपेसिटर का, कैपेसिटर को भी हमें नेगेटिव देना होगा। तो फ्रेंड्स कैपेसिटर का ये जो पिन होता है, देख सकते हो आप, ये वाला ये साइड का इसका नेगेटिव होता है और ये साइड में इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा ग्राउंड अभी हो चुका है और जो पॉजिटिव टर्मिनल जो बचा है। अब फ्रेंड्स कैपेसिटर का जो पिन नंबर यानी प्लस जो बचा है प्लस टर्मिनल, उसे हमें पिन नंबर आईसी का पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ से क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे हम 2 नंबर पे पिन नंबर 2 पे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर अभी हो चुका है, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमें यहाँ पे पिन नंबर 8 पे हमें लगाना है, ठीक है, ये हमने लगा दिया, देखो ये पिन नंबर 4 और 8 हमने शॉर्ट किया है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर पिन जो इसका VCC है और 4 नंबर इसका रिसेट पिन होता है, हमने ये कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स इसका आउटपुट हमें लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखो ये आउटपुट पे हमें LED लगाना है, ठीक है। तो देखो आईसी टाइमर आईसी का पिन नंबर 3 से आउटपुट निकलता है, तो इसे हम एक रजिस्टर हम कनेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स ये रजिस्टर का अदर पिन हम LED के साथ कनेक्ट करते हैं एनोड टर्मिनल के साथ, और LED का कैथोड टर्मिनल हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। अभी रहा हमारा पिन नंबर 1 आईसी का जो कि ग्राउंड है, ठीक है। अब फ्रेंड्स सपोज हमें LED का सॉरी इस रजिस्टर का वैल्यू हम चेंज करना होगा, हमें यहाँ पे 1K का रजिस्टर चाहिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे 1K रख देना है इंटर, ये रजिस्टर अभी 1K का हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से अभी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी सर्किट कंप्लीट हो चुका है, अब इसे रन करवाना है, ठीक है। तो रन करवाने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे कुछ आइकॉन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो प्ले का जो बटन है इसका, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देखो। तो देखो फ्रेंड्स अभी हमारा LED यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सर्किट रन किया जाता है, ओके। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप यहाँ पे कोई भी इस सॉफ्टवेयर में कोई भी सर्किट आप यहाँ पे कनेक्शन उसका करके उसे रन करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स प्रैक्टिकली सर्किट रन करवाने में और जो कंप्यूटर में हम रन करवाते हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे रन करवा सकते हैं कोई भी सर्किट को, बस आपको प्रॉपर तरीके से उससे कनेक्शन करना होता है और प्रॉपर तरीके से आपको सारे रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो उसका हार्डवेयर है उसे कंप्लीट अच्छे तरीके से वहाँ पर कनेक्ट करना होता है, ठीक है। उस प्रकार से हम कोई भी सर्किट को हम यहाँ पे रन करवा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब फ्रेंड्स इसे इसका हम PCB लेआउट हमें बनाना है, ठीक है। तो PCB लेआउट के लिए हमें क्या करवाना होगा, देखो यहाँ पे PCB लेआउट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये रहे हमारे सारे कंपोनेंट्स, अब ये कंपोनेंट्स हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये इसका PCB लेआउट आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स PCB लेआउट बनाने से पहले हमें क्या करवाना होगा, देखो हमें यहाँ पे इसे स्टॉप करते हैं, स्टॉप अभी हो चुका है। और फ्रेंड्स देखो लेआउट बनाने से पहले हम इस बैटरी को यहाँ से हटा देना होगा और यहाँ पे इसे एक कनेक्टर हमें लगवाना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसे VCC देने के लिए, इसे सप्लाई वोल्टेज देने के लिए, ठीक है। और LED को भी यहाँ पे हमें एक आउटपुट यहाँ पे सिग्नल निकालने के लिए वहाँ पे भी हम कुछ कनेक्टर वगैरह हम वहाँ पे लगा देंगे। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, देखो इसे हम राइट क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से डिलीट हम कर देंगे यहाँ से,
और इस प्रकार से इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी डिलीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमें वहाँ पे कनेक्टर लगाना है, तो सिंपल पी लेटर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कनेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे सब कैटेगरी में हमें जिस प्रकार का कनेक्टर चाहिए उस प्रकार का कनेक्टर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो हेडर ब्लॉक्स पीसीबी ट्रांसफर के लिए ऐसे अलग अलग आपको कई सारे मिल जाते हैं। ठीक है, हम सपोज हमें टर्मिनल ब्लॉक चाहिए तो हमें 2 पिन का टर्मिनल ब्लॉक हम यहाँ पे एक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ पीसीबी हेडर हम वहाँ पे एक लगा देते हैं एडीडी का आउटपुट के लिए। ठीक है, हम इसे कनेक्ट करेंगे एलईडी की जगह पे। ठीक है, अब हम वहाँ पे इसे रिप्लेस कर देते हैं। टर्मिनल ब्लॉक को हम यहाँ पे लगाते हैं पिन नंबर 1 का प्लस, पिन नंबर 2 इसका नेगेटिव। ठीक है, अभी ये हो चुका है। अब हम पीसीबी लेआउट बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए अभी हम इसको हम सबसे पहले कंपोनेंट्स यहाँ पे प्लेस करेंगे। बिल्कुल वही तरीका है कंपोनेंट्स प्लेस करने के लिए। देखो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, कंपोनेंट्स मोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंपोनेंट्स मोड। उसके बाद में हम एक एक सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज हमें C1 यानी कैपेसिटर, ये रहा उसका लेआउट। तो हम कैपेसिटर को हम यहाँ पे रखते हैं, कैपेसिटर को अभी यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे सिलिकॉन यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है तो उसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक और टर्मिनल ब्लॉक हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, हम इस साइड में रखते हैं। अभी रजिस्टर इसे हम ये साइड में रखते थे यहाँ पे। उसके बाद में R2 रजिस्टर इसे हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद में R3 1K का रजिस्टर जो है इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। और अभी लास्ट में हमारा IC, ठीक है, हम IC को यहाँ पर रख देते हैं। अब देखो फ्रेंड्स ये अभी कुछ इस प्रकार से अभी सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं। बस आपको इसे सही तरीके से पहले इसे आपको एडजस्ट कर लेना है। अब फ्रेंड्स इसे भी मूव करवाया जा सकता है इस पर राइट क्लिक करके। ठीक है, फिर देखो जब अभी आपको सपोज इसे इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो फिर इसे कंपोनेंट्स को मूव करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स मोड आपको सिलेक्ट करके ही रखना है और इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे। देखो आपको वहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से आपको सारे ऑप्शन वहाँ पर मिल जाते हैं राइट क्लिक करते हैं तो उस प्रकार से आप इसे पहले एडजस्ट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स हमने कंपोनेंट्स को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है बिल्कुल वही तरीके से।
ठीक है, आप देख सकते हो अच्छे से हमने वहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, अब देखो ये जो आपको ग्रीन कलर का जो लाइन जो दिख रहा है ये वाला, तो फ्रेंड्स ये इसका कनेक्शन होगा। ठीक है, अभी इसका कनेक्शन हम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसका कनेक्शन हम खुद भी कर सकते हैं मैनुअली, और हम चाहे तो इसे यानी ऑटो मोड पे भी हम करवा सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, यानी वो अपने आप भी कनेक्शन कर सकता है। हम दोनों तरीके से कनेक्शन करवा सकते हैं। देखो अगर आपको ऑटो मोड अगर यूज़ करना है तो देखो आपको ऑटो मोड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। देखो हम ऑटो मोड में इसका कनेक्शन करके देखते हैं पहले। अब देखो ऑटो मोड में इसका राउट यानी इसका ऑटो मोड में इसका राउटर का डिज़ाइन या फिर इसका ट्रैक का डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए हमें कहाँ पे देखो हमें क्या करना है। देखो हमें यहाँ पे एक ऑटो राउट का एक ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो राउटर। देखो ऑटो राउटर यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बेइंग राउटिंग देखो कुछ ऐसा ऑप्शन है, तो इसे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये कुछ प्रोसेसिंग के बाद देखो इसका कनेक्शन अभी हो चुका है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है, या फिर आप मैनुअली भी इसका कनेक्शन कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कोई एरर आना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं दिखाना चाहिए उस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कनेक्शन यहाँ पे हो जाता है। ओके, अब फ्रेंड्स सपोज हमें इसमें कुछ चेंज अगर करवाना है तो देखो क्या करेंगे। देखो अगर हम मैनुअली हम इसे जोड़ते हैं तो इसका कनेक्शन हम अगर करते हैं तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब सपोज अब हमें देखो यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो लेयर है, अब फ्रेंड्स जो आपको ये जो कलर दिख रहा है कंपोनेंट साइड उसके लिए आपको कुछ लाइट ब्लू कलर का जो कलर दिख रहा है ये उसका कंपोनेंट साइड है यानी पीसीबी का कंपोनेंट साइड, और जो पिंक कलर जो दिख रहा है उसका सोल्डर साइड। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स देखो ये जो इसका रेड कलर का जो दिख रहा है तो ये ऊपर की साइड से इसका जंपर, जिससे हमें कुछ वहाँ पे ऊपर जंपर हमें लगवाना होगा। ठीक है, अब सपोज हमें यहाँ पे जंपर नहीं लगवाना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है, तो हमें क्या करना है देखो इसे हम पहले डिलीट करेंगे। फ्रेंड्स हमें पहले यहाँ पे देखो पहले हमें ट्रैक मोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ट्रैक मोड सिलेक्ट करते ही ठीक है इसे हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, तो इसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और देखो डिलीट राउट। ठीक है, अभी ये कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी हम क्या करना है यहाँ पे सिंपल हमें इसका कनेक्शन करने के लिए देखो इस पर क्लिक करना है और ये भी राउटर यानी ट्रैक अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये भी लेयर दिखा रहा है यानी ये अभी टॉप का जो इसका लेयर है ये दिखा रहा है यानी जंपर बनाने के लिए यानी ऊपर का लेयर, तो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर लाना होगा। फिर से एक बार क्लिक करेंगे, ये आ गया आपका ग्रीन, तो हम यहाँ पे इसे कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कनेक्शन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ से इसका लेयर चेंज करवा सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया, इसे हमें कनेक्शन करना है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स इस ट्रैक को मैं पहले डिलीट करता हूँ, देखो इसे हम पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब फ्रेंड्स हमें इसे डिलीट करना होगा क्योंकि ऐसे जंपर हम यहाँ से नहीं लगवा सकते, तो इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें इसे भी डिलीट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसे भी डिलीट करते हैं। ओके, इसके बाद में इसे भी हम डिलीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हम इस राउटर को पहले इसका साइज़ हम चेंज करवाने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही देखो यहाँ पे चेंज ड्रेस स्टाइल, तो उसे हम यहाँ पे कम करवा सकते हैं। सपोज हम 60 यहाँ पे रखते हैं तो ये अभी छोटा अभी हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी ट्रैक को हम छोटा बड़ा करवा सकते हैं, और आप चाहो तो इसका डिफ़ॉल्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो हम डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे एडिट करते हैं, डिफ़ॉल्ट को आप देखो डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे इसे हम राइट क्लिक करेंगे
राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट, यहाँ पे जो विड्थ इसका दिखा रहा है 90, इसे हम कम करवा देते हैं, हम 65 लेने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये काफ़ी अभी कम अभी हो चुका है इसका सभी का विड्थ। ठीक है, इस प्रकार से। और फ्रेंड्स मैं आपको जंपर भी बना के दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स इसका कनेक्शन हम पहले यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो चुका है। उसके बाद में देखो यहाँ से हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी अभी हो चुका है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे देखो पिन नंबर आईसी का पिन नंबर 4 से हमें इस रजिस्टर को हमें यहाँ पे कनेक्ट करवाना है। ठीक है, और पिन नंबर एनपी नंबर 4 और 8 हमें शॉर्ट करवाना ही होगा। देखो हम इस राउटर को यहाँ से मूव करवाना है। सपोज पहले हम इससे पहले मूव करवा लेते हैं। देखो अगर इसे हमें मूव करवाना है तो बिल्कुल आपको वही तरीका आपको यहाँ पे यूज़ करना है। इस राउटर पे आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से ड्रैग करवा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अभी यहाँ पे आ चुका है। अब सपोज हमें यहाँ पे इसे मूव करवाना है तो इसे हम क्लिक करके हमें इसे यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, ये अभी आ चुका है। और सपोज इस एंगल को हमें मूव करवाना है तो इसे यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे और ऊपर की साइड में इसे लेके जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसका डिज़ाइनिंग अभी हो चुका है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे पिन नंबर 4 पे क्लिक करेंगे यहाँ से इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हमें ये कनेक्शन अभी हमें कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें कनेक्शन करना होगा कुछ इस प्रकार से। ये भी अभी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप सारा कनेक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सिंपल है। और फ्रेंड्स सपोज आपको जंपर यहाँ पे बनाना है, अगर सपोज आपको यहाँ पे जंपर बनाना है तो देखो हमें कैसे बनाना होगा जंपर। देखो इसे हम पहले डिलीट करते हैं। सपोज देखो यहाँ से हमें कुछ इस प्रकार से हमने ट्रैक लेके आए हम यहाँ पे। ठीक है, और सपोज अभी हमें यहाँ पे जंपर बनाना है। ठीक है, तो जंपर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना होगा। जिसे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर का लेयर यानी रेड कलर में ये ट्रैक अभी यहाँ पे देखेगा। देखो ओके, देखो ये अभी रेड कलर में अभी ये हो चुका है। और ये हमारा जंपर हमें जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक हम इसे लेके जा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, अब सपोज हमें यहाँ पे ही जंपर हमें यहाँ पे यहाँ तक ही हमें लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक, डबल क्लिक करने के बाद देखो ये फिर से ग्रीन हो चुका है। और उसके बाद में हम यहाँ से ऐसे यहाँ पे हम ला सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा जंपर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब नीचे से ये हमारा पीसीबी का ट्रैक यानी ये ट्रैक का डिज़ाइन आपका कॉपर में नीचे की साइड यानी बॉटम साइड, ठीक है, यहाँ तक। और ऊपर से आप ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है जैसे आप कोई भी जंपर तार यहाँ पे वायर आप लगा सकते हो, जंपर वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम जंपर इसे बनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जंपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसे कट करेंगे। ठीक है, और इसे हम नॉर्मल कनेक्शन हम कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप मुझे बेशक कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये इसका कनेक्शन अभी पूरी तरह से अभी हो चुका है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका कनेक्शन तो हमने कर दिया है। अब हमें इसे
यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स हमें बनाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टू डायमेंशनल, देखो 2D ग्राफिक्स बॉक्स मोड, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करते ही देखो इसे हम एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार और ये कुछ इस प्रकार से इसका एक बॉक्स हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इनपुट आउटपुट हम वो सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे देखो अब सपोज हम इस जैक को, अगर जो ये हमारा जो कनेक्टर है टर्मिनल ब्लॉक, उसे अगर हमें रीनेम करना है तो हम यहाँ से इसे करवा सकते हैं। देखो हम कंपोनेंट्स मोड को यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर इस जैक को हम यहाँ पे रीनेम करवा सकते हैं। देखो एडिट प्रॉपर्टीज, देखो हम यहाँ पे इसे नाम चेंज करवा सकते हैं, यहाँ पे इनपुट। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि प्रिंटिंग में ही इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप कोई भी कंपोनेंट्स का आप यहाँ पे उसे रीनेम कर सकते हो, उसे कोई भी नाम आप दे सकते हो इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब सपोज हम यहाँ पे एलईडी, हम यहाँ पे इसे एलईडी कर देते हैं, एलईडी। ठीक है, ये ओके, ये अभी एलईडी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी इसे रीनेम करवा सकते हो। और फ्रेंड्स सपोज हमें हमारा यहाँ पे ऊपर पीसीबी में प्रिंटिंग में हमारा नाम देना है। अब सपोज हमें नाम देना है तो देखो यहाँ पे 2D ग्राफिक्स टेक्स्ट मोड, इसे आपको सिलेक्ट करना है और जहाँ पे आपको अपना नाम देना है वहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो। सपोज हमें यहाँ पे देना है, ठीक है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सपोज हम यहाँ पे हमारा नाम यहाँ पे देने वाले हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा है तो इसे मूव भी करवाया जा सकता है, इसे हम राइट क्लिक करेंगे। सपोज हम इसे हम यहाँ पे रख देते हैं ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ये अब प्रिंटिंग में जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पे इसे ये दिखाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा साइड में यहाँ पे करते हैं, ओके, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स जो भी हम टॉप का जो प्रिंटिंग जब निकालेंगे तो उसमें ये दिखाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे हमारा नाम हमने दे दिया है। ठीक है, अब अगर सपोज हमें कॉपर साइड में हमें हमारा नाम देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे जो लेयर है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बॉटम कॉपर। ठीक है, और वहाँ पे हम फिर से इस मोड को सिलेक्ट करेंगे 2D ग्राफिक्स टेक्स्ट मोड और इसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे देखो। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से हम टाइप कर देते हैं हमारा नाम। ठीक है, इसे हम छोटा बड़ा यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, उसके हाइट विड्थ हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये अभी यहाँ पे ये नाम अच्छे से अभी आ चुका है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसे हमें यहाँ पे होल करवाना होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें देखो ये मोड हमें सिलेक्शन करना है, राउंड थ्रू होल कैड मोड, तो इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम इस एंगल में भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ओके यहाँ पे आ चुका है। हमें वहाँ पे ड्रिल करना होगा ताकि पीसीबी को हम कहाँ पे हम जहाँ पे माउंट करना चाहते हैं वहाँ पे हम माउंट करवा सकते हैं।
ठीक है, उसी प्रकार से देखो अभी हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही छोटा हो चुका है, इसे हमें थोड़ा बड़ा करवाना होगा। तो देखो उसके भी आपको कई सारी साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखो फिलहाल हम यहाँ से इसको इसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है अभी ये ठीक है, तो फिर थोड़ा हमें और बड़ा चाहिए फुल, तो इसे हम डिलीट करके फिर हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं। अब ठीक है तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप इस प्रकार से हमारा पीसीबी यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। ठीक है देख सकते हो आप काफ़ी आसानी से ये बन गया है, ये कंप्लीट अभी हो चुका है। ठीक है अब फ्रेंड्स इसका 3D विजुलाइजेशन हमें देखना है, इसका 3D व्यू। तो उसके लिए देखो आपको यहाँ पे 3D का एक ऑप्शन होता है 3D विजुलाइजर, ओके इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली। ठीक है अब उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपको इसका 3D व्यूज आपको दिख जाएगा, ये रहा फ्रेंड्स का 3D व्यू। ठीक है आप यहाँ पे व्यूज में जाके आप इसका टॉप व्यू देख सकते हो, फ्रंट व्यू देख सकते हो, ठीक है बैक साइड देख सकते हो, लेफ्ट व्यू देख सकते हो, इसे आप सारे व्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल मैं इसे ऑटो स्पिन मोड पे रखता हूँ। ठीक है तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुछ आपका सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, आप आसानी से इसे कंप्यूटर में बना सकते हो। और आपका सर्किट कैसे दिखेगा, उसे डिज़ाइन कैसे करना है, आपको काफ़ी सारे आइडियाज आपको इसे मिल जाते हैं। ठीक है देखो फ्रेंड्स इसका ट्रैक, ठीक है देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार से झूम करके हम देख सकते हैं। ठीक है ये रहा इसका टर्मिनल ब्लॉक, ये रहा इसका IC कैपेसिटर, ओके जिस प्रकार से आप सारे इसका 3D डायमेंशन एंड 3D व्यूज आप देख सकते हो काफ़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस सर्किट बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है तो इसका प्रिंट आउट भी आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो आपको यहाँ पे लेआउट में जाना है, फिर से यहाँ पे आउटपुट, और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन हैं आपको यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। देखो एक्सपोर्ट ग्राफिक्स, देखो यहाँ पे PDF फाइल DXF में कर सकते हो, या फिर से देखो यहाँ पे आपको PDF में भी आप इसे बना सकते हो। देखो एक्सपोर्ट Adobe PDF फाइल, तो आप PDF फाइल में भी इसे बना के फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और PCB आसानी से घर पे बना सकते हो। ठीक है तो आप इसका किसी भी प्रिंट आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे प्रिंटर सेटअप आपको सारे मिल जाते हैं, प्रिंट लेआउट, प्रिंट सेटअप, ठीक है आप इस प्रकार से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ओके तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है और फ्रेंड्स आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन है आपका इसी वीडियो से रिलेटेड या फिर मेरे और भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे बेशक कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है और फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे बड़ा जुगाड़ जो डिजिटल टेस्टिंग बोर्ड जो हम बनाने वाले हैं तो उसके लिए हम कैसे सर्किट बनाएँ, जुलू PCB यूज़ करके या फिर हम कॉपर क्लैड AC डिज़ाइनिंग बना के हम PCB हम बनाएँ। ठीक है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।